नहीं नहीं कर्तव्य पे ध्यान दो, पूजा में मन लगाओ। चलो भूल से ही सही, ये सुंदर फूल भी तो उसी की देन है। ये क्या रे? गुरुदेव, एक लघु शंका है। लगी है क्या? नारी सुंदरता पाप है या फिर पुण्य है? पाप पुण्य से भी ऊपर है। ब्रह्मचारी से क्यों पूछ रहा है? आप लगते नहीं है लेकिन अंदर से बहुत रंग बिरंगी है। इस विषय में पड़ेगा तो लोगों की पड़ेगी। क्या चल रहा है पंडित? पूजा की सामग्री में कुछ झोल झाल तो नहीं है? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 5 मिनट में पूजा शुरू कर देंगे। दादाजी नमस्ते। आओ शीला आओ। भाई हमारी बहुत खास है, इन्हें तुम भी अपना ही समझो। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। पूजा शुरू करने की अनुमति दीजिए। हाँ शुरू करो। ए जय श्री कृष्ण गुरु जी। आओ वकील साहब, सही समय पर आए हो। गुरु जी, एक जमाने में आप शहर के सबसे बड़े वकील थे, लेकिन तब भी मुझ जैसे छोटे वकील को शिष्य बनाया। अब इतनी इज्जत भी मत दो कि मुझे हजम न हो। मैं तो बस पूजा में जुड़ने आया हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ स्वागत है। परिवार के सभी सदस्य बैठ जाएं। होम शुरू होने से पहले ही प्रसाद। ऊपर वाला मेहरबान तो मैं पहलवान। यार जरा वो भूसा देना। आईना देना। अरे देना। ये स्टील प्लेट से काम चला लो। अगरबत्ती कहाँ है? चलिए जजमान दद्दू, होम हवन की तैयारी हो गई। किसके हाथों पूजा शुरू करवाएंगे? मेरी पोती ये शुभ कार्य करेगी। बेटा रेणुका। हाँ, आ गई तू। अरे पंडित जी। जी कहिए। ये मेरी पोती है, माँ बाप गुजर चुके हैं, इसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए इसीलिए ये हवन रखवाया है। बहुत अच्छे, अगले 9 दिनों तक प्रार्थना, पूजा पाठ, होम हवन, आराधना, जप जाप सब कुछ इसके कल्याण के लिए करूँगा। बालिके अग्नि प्रज्वलित करो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यजमान पहला अध्याय समाप्त हो चुका है, नाश्ता पानी की व्यवस्था कर दीजिए। आप भी साथ चलिए ना, खाना भी खाना है, थोड़ा ही देना। थोड़ा सा प्रसाद मेरी भी झोली में। आप तो दुनिया को बांटते हैं पंडित जी, और आप मुझसे मांग रहे हैं। हम बांटते हैं वो प्रसाद होता है, आप स्वयं हमें देंगी तो अमृत बन जाएगा। लीजिए। नाम सुनने के लिए कान तरस रहे हैं। दिव्या भारती। आइला मुलगी पटली। पैर में बिछिया नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं, यानी मेरे लिए खुला आमंत्रण है। उसे अकेले में मिलकर। अरे 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 केदारी। हाँ गुरुजी। क्या हो रहा है? अपने गुरु को नमस्कार किए बिना कहाँ भागा जा रहा है? कुछ पर्सनल काम करना था गुरुजी। ओ ठीक है, भगवान तुम्हें उसमें कामयाबी दे, अब मेरी कामयाबी तो मेरे सामने खड़ी है। जैसी आपकी आज्ञा। What a fantastic Indian tradition, पंडित लोग पूजा कितनी अच्छी तरह करवाते हैं। ये मामूली पंडित नहीं है, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भगवान घर पर उतर आए हो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आपसे निजी वार्तालाप करना था। करिए ना। यस। हमने आपको निर्वस्त्र देखा। माय गाय की नहीं राइट। अरे नहीं नहीं, आपको नहीं, आपको नहीं। मेरी कामसिन गाय को देख लेता तो मैं मर जाती। इन्हें देखा? क्या क्या? मुझे नहीं। निर्वस्त्र का मतलब? सिंपल है, विदाउट क्लोथ्स के। कैसे देखा, कब देखा और क्यों देखा? हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। उस दिन की बात है जब मेरे गुरु ने मुझे कलश लाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे भेजा और मुझे कहीं से अचानक पाश्चात्य संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी। सीरियल के एपिसोड की तरह पार्ट्स में मत बताओ।
ये कोई सीरियल का एपिसोड नहीं है, मैंने तो पूरी फिल्म देख ली, आंखें तृप्त हो गई। इसकी तो पूरी डिटेल में बता। मुझसे वादा कीजिए अब हम लोगों में जो संभाषण होने वाला है वो किसी को नहीं बताएंगे। बुधवार सुबह ठीक 4:32 पर जब चंद्रमा ने फाल्गुनी शुभ नक्षत्र में प्रवेश करने का सौभाग्य पाया। ये फाल्गुनी क्या है, मैं तो लुट गई। सिंपल लैंग्वेज में क्यों नहीं समझाता? मतलब जब गुरु ग्रह मेरी कुंडली के गुडलक स्थान में बैठा और शुक्र ग्रह सुख स्थान में, ठीक उसी दिन भाग्य के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए। और क्या कहूँ, इसी वजह से वो शुभ घड़ी आई जिसमें मुझे मुझे आपको निवस्त्र देखने का सौभाग्य मिला। तुम पुजारी नहीं हो, फ्रॉड हो, डंगी हो, तुम ये तुम अपना नारियल पकड़ो, अपने सर पे फोड़ो। इस बेबी डॉल को बॉबी डॉल बनने से पहले ही देख लिया। ए, चुप कर। चलो देख लिया तो देख लिया, बताने की क्या जरूरत थी? आपको निवस्त्र देख लिया ये बात किसी और को तो नहीं बता सकता ना, इसीलिए आपको बताया। चुप हो जा। इतना क्रोध किस लिए? अरे क्या? तेरे पैर धोके पीऊं? क्या चाहते तू? देखिए घर में पूजा पाठ चल रहा है, हवन जलाना चाहिए ना कि दिल। वैसे भी आपका नृत्य देखकर दिल करता है मैं भी एक नृत्यशाला खोल दूं। अगर कभी बोर हुआ तो आंखें बंद करके आपका नृत्य याद कर लूंगा। अपनी बकवास बंद कर और निकल यहाँ से, निकल। काला तिल भी देख लिया होगा। ये पंडित ठहर की है, किसी और को भी बता देगा। सही बोली। ए पंडित रुपए। जी देवी जी। जो देखा है सब कुछ भूल जाओ। हाँ। किसी से कुछ मत कहना। ऐसे पावन मौके पर ये बात किसी से कहूंगा मैं? सब डिलीट कर। आपकी कहीं बातें कागज पर लिख लूंगा और उसे तावीज बनाकर मैं अपने गले में पहन लूंगा। हैरेसमेंट का केस करूंगी, उसे मिटा दे। ठीक है डाल दूंगा, गॉड प्रॉमिस। डोंट क्राई बेबी, आई थिंक वो तुम्हारा दिल कभी नहीं भूल पाएगा। इसमें 1000 से भी ज्यादा फिल्में हैं दादाजी, साउथ की फिल्में हैं, हिंदी फिल्में हैं और भी बहुत सारी फिल्में हैं। इसमें गाने भी हैं, इसमें आपके बचपन की भी फोटो है और ये शादी की फोटो। इसमें हमारा पूरा परिवार बंद है दादाजी, इसमें हम सेल्फी फोटोज के साथ सेल्फी वीडियोस भी ले सकते हैं। बताइए दादाजी आपका फेवरेट कौन है? बताइए बताइए, मैं हूँ ना। मेरी फेवरेट तो तुम्हारी दादी थी, मेरे साथ 60 बिता के आज मुझे अकेला छोड़कर चली गई बेटी रेणुका। मेरी एक ही इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी है। और वो कौन सी है बताइए, मैं उसे पूरा करूंगी। कोई बड़ी इच्छा नहीं है, तुम्हारी दादी की अस्थियां मैंने काशी में विसर्जित की थी, मेरी अस्थियां भी काशी में विसर्जित कर देना बेटा। दादाजी चुप हो जाइए, अभी तो आपको मेरी शादी करवानी है और मेरे बच्चों को गोद में खिलाना है और फिर उनकी भी शादी कराना। अरे बाप रे, कितनी सारी डिमांड्स रख दी। चलो चलो चलकर खाना खाते हैं। अरे केदारी। आदेश गुरु। पूजा सही करवा रहा हूँ ना। वाह 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 वाह, ऐसी पूजा जो ना पिछले 100 में हुई है ना अगले 100 में होगी। आपका नाम पंडित लोग की गिनीज बुक में लिखा जाएगा। आजकल मुझ पर कृपा बरस रही है। संविधान समर्पयामि। क्या लड़की है, कमल जैसा मुखड़ा, डाली जैसी कमर, इसकी काया का कायल हो गया हूँ। यजमान हवन का दूसरा दिन भी समाप्त हो गया, खाना लाओ। भाई तेरे को अखमारी कि मेरे को अखमारी? सपने मत देखो, तुम दोनों को आंख नहीं मारी, मुझे आंख मारी। गुरुदेव दक्षिणा में कुछ और लेने लगे हो क्या? पहले दिन से उसका हवन कर रहा हूँ। हो गया शुरू। सब सुनो, लेता हूँ ये फल मिठाई और नारियल, सब समेट कर मेरी साइकिल पे लटका दो, मैं दक्षिणा लेके आता हूँ। ठीक है, ये लीजिए और आशीर्वाद दीजिए। शुभम भवतु। सुनो ये सब कुछ मेरी साइकिल के हैंडल पे लटकना चाहिए, एक भी तुम्हारे पेट में नहीं जाना चाहिए, समझा? मेरी साइकिल पे भी लटका देना। तुम कर्म पे ध्यान दो, फल मैं खा लूंगा। बाप रे, इसे कहते हैं पसीने की कमाई। गुरुदेव तौलिए से पसीना पोछ लीजिए। अनर्थ हो गया। अरे गुरुदेव, गुरुदेव उस टॉवल को हाथ मत लगाइए। क्या हुआ केदारी? पता नहीं उससे किसने क्या किया होगा। किसी ने चेहरा ही पोंछा होगा, और क्या पोंछ सकता है। लेकिन ये टॉवल आपके लायक नहीं है। क्यों, इस टॉवल में क्या कांटे लगे हुए हैं? आप समझे नहीं, इसमें मैंने बुधवार को शाम 4:30 में। अपना मुंह बंद रखिए। अरे मैडम जी, ये हमारे गुरु हैं, मैं इनसे कुछ नहीं छुपा सकता। मैंने कहा ना चुप कर। अरे ये अपने शिष्यों और भक्तों के अलावा किसी से कुछ नहीं कहेंगे। कौन सा पुनर्वसु नक्षत्र में था और गुरु भाग्य स्थान। अरे
अरे पंडित संभाल के, अरे क्या कर रहा है? अरे वो चावल की बोरी, बेचारे को धक्का क्यों मारा? बाउंस आउट हो गया। मेरा केदारी आउट हो जाता तो इतना सस्ता आदमी कहाँ मिलता है? ए केदारनाथ, आपने तो मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं मैं कहाँ जाकर टकरा जाता। दादाजी फोटो में तो नथुलाल जैसी मुझे और अब सब साफ। अच्छा वो बात ये है कि मेरी पोती जब छोटी थी उसे प्यार करते वक्त मेरी मुझे चुपती थी तो उसने जिद करके मेरी मुझे साफ करवा दी। कितना ख्याल है पोती का दद्दू। अच्छा एक बात बता पंडित, तेरी मुँचों का मुंडन भी क्या तेरे पोता पोतियों ने करवा दिया है? अरे पोता पोती तब होते जब इनका बेटा होता और इनका बेटा तब होता जब गुरुजी की शादी होती। इनका ग्रह दोष दूर करने के लिए कई यज्ञ किए पर कोई राजी नहीं हुई। अब तक किसी के साथ कुंडली मिल नहीं पाई, ये होम हवन पूरा होने तक कोई जरूर मिल जाएगी। हाँ मैं बाद में देखती हूँ। बुढ़ापे में भाग्य संवर गया, किसी लड़की ने मुड़कर तो देखा। ये क्या गड़बड़ है गुरुजी, वो तो नैन मटक्का करके चली गई। तुमने भी देखा ना, दोनों तरफ यज्ञ बराबर चल रहा है। यजमान हा? अब हम प्रस्थान करेंगे। हाँ ठीक है, मुझे विवाह के लिए आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो, जल्दी से तुम्हारी शादी हो। तूने क्यों लिया वापस? एक्सरसाइज कर रहा था। चलते हैं। कितना मीठा और रसीला आम है, मैं इसी के लिए इंडिया आती हूँ। विद्या अपनी बड़बड़ बंद कर और ये सोच के उस पंडित से कैसे बदला लेना है। ए, एक आइडिया आया, मैं पंडित के पास जाके पूछूंगी कि पंडित जी ये साष्टांग नमस्कार कैसे करते हैं, मुझे करके दिखाइए ना, और वो राजी हो जाएगा। जैसे ही वो डेमो देने के लिए जमीन पे लेटेगा, तुम 100 की स्पीड से भागते हुए आना और अपना 100 किलो का वजन उसकी पीठ पे डाल देना। आई गॉट इट, उसके पीठ टूट जाएगी और मतलब पूरा हो जाएगा। मैंने देख लिया है, मुहूर्त सही है। क्या काम है पंडित जी? हाँ? मेरा एक काम करेंगे। हाँ जरूर करेंगे, बताइए क्या काम करना है। ये बताइए साष्टांग नमस्कार हाँ? कैसे करते हैं? ये तो बहुत आसान है, अभी दिखाता। हाँ? सबसे पहले घुटने के बल बैठ जा और झुक जा। मैं समझी नहीं, अच्छे से करके बताइए ना। अरे साष्टांग नमस्कार तो बहुत आसान है, मैं करके दिखाता हूँ। ऐसा लेटने का और फिर आँख बंद करके गणेश जी को याद करके बोलने का, पूरा दम लगा के। गलती तो होगी ना, हाथी के बच्चे को घर में रखोगे तो यही होगा ना। ये 250 किलो की हाथी जब पांव उठाती है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सॉरी बोला ना, चूहे के चक्कर में छछूंदर फंस गया। तुम तो ठीक हो ना? हल्दी वाला दूध भी पिला दे, कमजोर लग रही है। सारा दो।